निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम यूपी के हथकरघा हस्तशिल्प और कृषि खाद्य उत्पाद वाराणसी 16 मार्च पैकेजिंग संस्थान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के हथकरघा हस्तशिल्प और कृषि खाद्य उत्पाद पद्मश्री औरादी डॉक्टर रजनीकांत प्रोफेसर बीएचओ और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के संस्थापक जो बुनकरों हस्तशिल्प कारीगरों किसानों का समर्थन करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश चंद्र राय प्रोफेसर और प्रमुख डेयरी विभाग विज्ञान के साथ उपस्थित थे। खाद्य प्रौद्योगिकी बीएचयू विशिष्ट अतिथि के रूप में और श्री राजेश भाटिया सचिव भारतीय उद्योग संघ विशिष्ट अतिथि के रूप में आईआईपी वक्ताओं के तकनीकी और विस्तृत सत्रों ने समुदाय को उत्पाद पैकेज इंटरेक्शन को समझाने की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर पैकेजिंग की समस्याओं का समाधान करने में मदद की। डॉक्टर रजनीकांत ने कहा कि वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र अपने विभिन्न हस्तशिल्प हथकरघा कृषि आधारित उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक संसाधनों से डिजाइन और तैयार किए जाते हैं उद्योग अकादमिक असहयोग सहयोग निश्चित रूप से कारीगरों को उनके उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से सहायता के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य को बढ़ावा देगा। मैं राजेश भाटिया राष्ट्रीय सचिव हूँ इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का और पैकेजिंग के हिसाब से मैं उत्तर प्रदेश कोटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह कार्यक्रम रखा गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ये पैकेजिंग के क्षेत्र में मेरी जानकारी में शायद एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो पूरे देश में बहुत बढ़िया काम कर रही है और विगत 1.5-2 सालों से बनारस में सुबोध जीकर जी हैं इनके डिप्टी डायरेक्टर इनके नेतृत्व में बनारस में ये कोशिश हो रही है कि जो यहाँ पे उत्पाद हैं बनारस के जिनको GI का भी दर्जा मिला हुआ है और जिनकी बाहर एक्सपोर्ट में अच्छी डिमांड है उनकी पैकेजिंग को कैसे बेहतर किया जाए कैसे अच्छा किया जाए उस दिशा में लगातार प्रयासरत है। तो उसी संदर्भ में आज ये बैठक है। आज हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे विचार करेंगे कि इसकी पैकेजिंग को कैसे और बेहतर बना सकें जिससे इनके जो प्रोडक्ट हैं उसका वैल्यू एडिशन हो सके उससे उनकी अच्छी कीमत मिल सके। थैंक यू। बता दें मेरा नाम डॉक्टर रजनीकांत है और बुनकरों शिल्पियों और समाज के अन्य लोगों के लिए एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। रजनीकांत जी आज किस तरह कार्यक्रम में आए हैं क्या उद्देश्य है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर भारत के साथ में अमृत महोत्सव वर्ष में तो इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट जो कि भारत का एक प्रीमियम संस्थान है पैकेजिंग के क्षेत्र में वो बनारस में पिछले एक वर्ष से एक लगातार पहल कर रही है जिसमें कि स्थानीय प्रशासन प्रदेश सरकार एक जनपद एक उत्पाद और GI के उत्पादों को जोड़ करके आगे बढ़ाने के लिए कि इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग कैसे होगी मार्केटिंग कैसे होगी। बनारस और पूर्वांचल के 18 उत्पादों को GI प्राप्त हो चुका है जो दुनिया में सर्वाधिक है। महत्वपूर्ण यह है कि ये प्रोडक्ट जब दुनिया के बाजार में जाएंगे चाहे वो लकड़ी का खिलौना हो पत्थर का हो जरदोजी का हो गुलाबी मीनाकारी या अन्य कोई उत्पाद है तो वो उत्पाद जब दुनिया में जाते हैं तो आप देखिए अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वो ब्रांडिंग नहीं हो पाती है। और पैकेजिंग का तो अब ये आलम हो चुका है कि घरों में मिठाई के डिब्बे भी आते हैं तो मिठाई के बाद भी उन डिब्बों को लोग सुरक्षित रखते हैं वो इतना महत्व हो गया है। तो हमें लग रहा है कि वो इस दिशा में और विशेषकर अमृत महोत्सव वर्ष में ये बहुत बड़ा कदम है और आने वाले समय में इससे शिल्पियों और बुनकरों को एक नई दिशा मिलेगी और हमें लग रहा है कि इसी नई दिशा की वजह से उनकी दिशा भी बदलेगी भारत की GDP भी बदलेगी और फिर से ये सारे के सारे लोग उस हुनर की तरफ आएंगे। ठीक अच्छा बता दें मेरा नाम सुबोध जुईकर डिप्टी डायरेक्टर भारतीय पैकेजिंग संस्थान मुंबई। सुबोध जी आज किस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे? ये जो आज यहाँ पे वर्कशॉप होने जा रहे एक दिन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उन्होंने जो एक प्रायोजित कार्यक्रम है इसमें जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं जो आर्टिजन्स हैं या तो एक्सपोर्टर हैं या तो कुछ पैकेजिंग बनाने वाले हैं उनके लिए हम कुछ ऐसे चीज़ें लेके आए हैं कि उनसे उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी खपत जो है लोकल मार्केट में नहीं है जो विदेश में भी जाके अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई भी उसमें
दिक्कत ना आ जाए, सही सलामत उनका प्रोडक्ट देश विदेश में वो ये लोग बेच सकते हैं, उससे उसकी ब्रांडिंग भी बढ़ेगी और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो GDP है वो बहुत ऊपर जा सकती है और जो इंडिया के लिए जो नया मार्केट खुल रहा है ज़्यादा करके GI प्रोडक्ट के लिए उसमें बहुत ही फ़ायदा।